बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां उत्तराखंड से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। शनिवार रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन होगा और इसको लेकर आज जारी होगी लॉकडाउन की एडवाइजरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान में कहा कि व्यापारियों की भी मांग थी कि 5 दिन खुले बाजार, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया। फिलहाल इस हफ्ते के लिए लॉकडाउन, जरूरत पड़ी तो आगे भी लागू करने का फैसला लेंगे। तो सीएम ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो आगे भी लॉकडाउन करने का फैसला लेंगे, पर फिलहाल शनिवार और रविवार को बंद रहेगा शहर। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अजीत कांबोज हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, लगातार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान भी दिया है कि 2 दिन तक पूरे प्रदेश को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रखा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तराखंड का पूरा प्रदेश शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की पुष्टि की है कि जिस तरह से जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो उत्तराखंड में 4,000 के करीब पहुंच चुकी है। और बीते रोज की बात की जाए तो 199 नए मामले निकलकर सामने आए, जिसको देखते हुए देर शाम को ये बात कही गई कि डीएम अपने स्तर से तैयारी करें और शनिवार रविवार को पूरे प्रदेश में या जहां जहां पर जरूरत पड़ती है तो लॉकडाउन किया जाए। और अब सुबह ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बड़ा बयान दिया है कि कल यानी शनिवार और रविवार को पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा, लॉकडाउन किया जाएगा। स्वरूप क्या होगा इसको लेकर अब से कुछ ही देर बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें एडवाइजरी जारी होगी कि किस किस तरह से लॉकडाउन रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा, क्या बॉर्डर एरिया। जी बिल्कुल अजीत, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि जो संख्या है वो कम थी, पर कल देर रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुई उसमें 199 केस सामने आए, तो लगातार जो संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरी है लॉकडाउन करना, पर मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा है कि यदि ये जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देशित कर दिया है अधिकारियों को कि वो अपने स्तर से समीक्षा करें और मुख्यमंत्री खुद हफ्ते भर की समीक्षा एक दिन करा करेंगे, मतलब हफ्ते भर के बीच में रोजाना मुख्यमंत्री की भी समीक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला है उत्तराखंड सरकार का कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, इसको देखते हुए शनिवार और रविवार पूर्ण लॉकडाउन रहेगा और आगे क्या स्थिति रहेगी उसके लिए सोमवार या मंगलवार में दोबारा बैठक होगी। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।